ओके अब हम रिवर्स पाइसिंग देखेंगे। रिवर्स पाइसिंग के लिए हम लोग पी टाइप डायोड की पी टाइप को कनेक्ट करेंगे नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव के साथ और एन टाइप को कनेक्ट करेंगे बैटरी के पॉजिटिव के साथ। एन टाइप डायोड की एन टाइप पॉजिटिव के साथ अटैच हो गई और पी टाइप नेगेटिव के साथ। ओके अब इस डिप्लीशन रीजन बीच में ये डिप्लीशन रीजन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों प्रोड्यूस होती है, डिप्लीशन रीजन हमने वी बाईस का नाम दे दिया। अब हमें ये पता है कि रिवर्स बायसिंग में कंडक्शन नहीं होती, यानी हम कह सकते हैं कि आई आर यानी रिवर्स करंट ज़ीरो होता है। लेकिन जब हम ग्राफ्स देखेंगे तो उसमें हमें रिवर्स करंट कुछ माइक्रो एम्पीयर्स में एक माइनर सी वैल्यू रिवर्स करंट की शो हो रही होगी। उसकी रीज़न हम देखते हैं कि वो रीज़न क्या होती है। ग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हमें ये पता है कि इस डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारे पास आयंस की लेयर प्रोड्यूस हो गया, एक इस साइड पे एंड साइड पे और एक नेगेटिव साइड पे, जिसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव आयन से नेगेटिव आयन की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ओके अब हमें ये पता है कि होल्स पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को हम नेगेटिव लेते हैं। और अगर हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये दोनों चार्जेस रखते हैं तो होल्स की मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, फील्ड से ऑपोजिट। ये होल्स पॉजिटिव होते हैं और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब ये जो रिवर्स करंट हमने माइक्रो एम्पीयर्स में बात की है कि माइक्रो एम्पीयर्स में एक माइनर सा करंट रिवर्स करंट होगा, ये क्यों होगा इसकी रीज़न हमने देखनी है। लेकिन ये करंट जो रिवर्स करंट है ये माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है, जबकि फॉरवर्ड करंट मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से होता है। ओके या हमारे पास पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स हैं और एन टाइप में माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स हैं, यानी एन टाइप में होल्स की मूवमेंट होगी और पी टाइप में इन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से एक रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगा। अब होगा क्या, सबसे पहले ये जो डिप्लीशन रीजन है ये वाइड हो जाएगी, ये डिप्लीशन रीजन वाइड होगी। अब ये वाइड क्यों होगी इसकी रीज़न हम देखते हैं। ये वाइड इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ से बैटरी की जो पॉजिटिव साइड है, बैटरी की ये पॉजिटिव साइड है, ये ऑपोजिट जो मेजॉरिटी करियर्स है इलेक्ट्रॉन्स को इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और यहाँ का जो नेगेटिव है, बैटरी का नेगेटिव है, ये यहाँ के होल्स यानी पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारी डिप्लीशन रीजन वाइड हो जाएगी। अब माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होना है वो क्यों प्रोड्यूस होगा हम वो देखते हैं। हमारे यहाँ की जो पॉजिटिव बैटरी लगी हुई है ये यहाँ के होल्स पॉजिटिव होल्स को जंक्शन के इस डिप्लीशन रीजन के पास मूव करवाएगी और यहाँ की जो नेगेटिव बैटरी का नेगेटिव लगा हुआ है ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और डिप्लीशन रीजन के पास मूव करवाएगा। अब इन्हें बायसिंग का वोल्टेज इन लोगों को सपोर्ट इस तरह से कर रहा है
यहाँ के माइनॉरिटी कैरियर्स को कि ये डिप्लीशन रीजन के नियर बाई रिपेल कर रहा है। जब ये डिप्लीशन रीजन के पास पहुँचेंगे तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये जो येलो लाइन शो कर रही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट करेगी यहाँ के होल्स को कि वो यहाँ मूव करें। ऑलरेडी यहाँ के पॉजिटिव ने रिपेल किया है यहाँ के होल्स को, और यहाँ जब नियर बाय ये पहुँचेंगे, यहाँ नियर बाय पहुँचेंगे तो यहाँ के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उन्हें सपोर्ट करी है, क्योंकि पॉजिटिव हैं होल्स और वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो वो ये बैरियर सरपास कर जाएंगे। और यहाँ के जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें यहाँ ऑलरेडी रिपेल कर रहे हैं नेगेटिव बैटरी का, और जब वो नियर बाय जंक्शन के पहुँचेंगे डिप्लीशन रीजन के, तो ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड पे है, और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि वो अपोजिट साइड में मूव करते हैं वो इस साइड पे मूव करेंगे। इस फ्री मूवमेंट की वजह से, इस फ्री मूवमेंट की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से आपके सर्किट में एक IR प्रोड्यूस होगा, जिसकी वैल्यू आपके माइक्रो एम्पीयर्स में होगी, एक माइनर सा करंट होगा। सो दिस इज़ द रीज़न फॉर दिस इज़ व्हाट हैपेंस इन रिवर्स बायसिंग। इसकी मज़ीद ग्राफ्स हम नेक्स्ट वीडियो में